कोर्ट ने जो है बकायदा पूरी व्हाट्सएप हिस्ट्री जो है उस आदमी की अपनी वाइफ के साथ देखी और ये कहा कि जिस समय पे कह रही हैं कि इनके ससुर इनको इस लोकेशन के ऊपर रेप कर रहे थे, ये एक्चुअली अपने घर में बैठी हरियाणा में अपने घर पे, करनाल का ये वाक्य, मोहतरमा करनाल से आती है, करनाल में ये अपने घर में बैठी थी और एक्चुअली में उस डेट में उनके और उनके हस्बैंड की बातचीत हो रही थी कि उन्हें कहीं पे ट्रैवल करना है, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा बिजी थे इनके हस्बैंड और वो उनसे गुस्सा दिखा रही थी कि तुम तो मेरे को कोई वैल्यू नहीं करते हो, तुमने मुझसे शादी क्यों की है। तो इस तरह की कॉन्वर्जेशन, हीटेड कॉन्वर्जेशन व्हाट्सएप की थी। तो ये सारे के सारे सबूत जो है बकायदा, ऑब्वियसली एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है इन एविडेंसेस का कोर्ट में रखने का, रखे गए, कोर्ट ने उसको देखा, उनकी जो उस लड़की की जो CDR थी, यानी कि वो कहाँ पे थी उस टाइम पे, उसको देखा गया, जो कि ऑब्वियसली वो सब पुलिस निकलवाती है कि अगर आप मान लो करनाल में हैं, आप कहें कि आपके साथ दिल्ली में कुछ हो रहा है, तो पुलिस जो है आपके नंबर की लोकेशन भी निकलवाएगी कि आप उस टाइम पे किस, तो CDR भी बहुत हेल्प करती है इन केसेस में, लेकिन पुलिस यूजली जो है हस्बैंड और उसकी फैमिली को इतना सपोर्ट नहीं करती, लेकिन पुलिस को भी जो है काम करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक कानूनी दाव पेच है, कानूनी दाव पेच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सबूत। अनफॉर्चुनेटली महिला को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उनकी कथनी ही सबूत होती है ज्यादातर मामलों में, तो ये पुरुष के ऊपर जो है बहुत ज्यादा बीड़ा हो जाता है कि वो किसी तरह से प्रूव करे कि जो महिला है वो झूठ कर बोल रही है। अब इस चीज को इस तरह से कंफ्यूज ना किया जाए कि फाइनल जो डिसीजन होता है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ आदमी के ऊपर है, नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ आदमी के ऊपर बहुत सिलेक्टेड सेक्शंस में है, जैसे 304B डाउरी डेथ में हो गया, रेप के केसेस में जहां पे ये एस्टैब्लिश हो जाए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, वहां पे अगर महिला कहती है कि मेरी कंसेंट नहीं थी, तो फिर ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसकी कंसेंट नहीं थी और बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है आदमी के ऊपर प्रूव करने के लिए कि मैंने रेप नहीं किया है। लेकिन 498A जैसे है, 354 है या और जो लॉज है, उसमें बीड़ा फिर भी प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही होता है कि वो प्रूव करें। तो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन अगेन, डरे मत, एविडेंसेस जो है एक एक चीज के, एक एक लाइन पढ़िए, ये एक एक लाइन उस FIR की आपकी जिंदगी है। लॉयर्स के ऊपर जो है पूरी की पूरी दारोमदारी मत फेंके क्योंकि केस आपका है, उस लॉयर के पास और 50 केसेस हैं, वो उनकी रोजी रोटी है, वो उनकी जिंदगी नहीं है, लेकिन ये केस आपकी जिंदगी है। तो सारा का सारा ओनर्स जो है लॉयर्स के ऊपर मत छोड़ें कि वो आपको बचा लेंगे, आप खुद अपने केसेस पे काम कीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने में इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं कि ये केसेस जो है उनको यूं लगता है कि एकदम से डेथ वारंट सा निकल गया है, कैसे फेस करेंगे, कैसे लड़ेंगे, लेकिन सब कुछ हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप दिन का आधा घंटा भी अपने केस के ऊपर निकालेंगे, बिताएंगे, इंटरनेट के ऊपर इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको आपके केसेस में मदद कर सकते हैं, जजमेंट्स हैं, बेयर एक्ट्स हैं, आप उनको पढ़िए। तो थोड़ा सा अपने आप को कानूनी अगर आप अवेयर कर लेंगे, अपनी नॉलेज बढ़ा लेंगे, तो आप अपने केसेस को बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। तो हर एक लाइन को देखिए कि आपके ऊपर क्या एलिगेशन लगे हैं और उस हर एक एलिगेशन का जो है तोड़ आप ऑन डॉक्यूमेंट जो है बनाइए और आई एम श्योर आपको जो है मदद मिलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दूसरे पार्टी को ये मत समझने दीजिए कि वो आपको तोड़ सकते हैं पैसा लेने के लिए। जिस दिन आप पैसा देने को आतुर हो जाएंगे तो वो आपको और ज्यादा पैसा डिमांड करके आपको और ज्यादा तड़पाएंगे। तो अगर आप पहले दिन से ये स्टैंड ले लें कि चाहे आज नहीं तो 10 साल बाद हम केस लड़ेंगे और हम इस झूठ के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, वो बहुत हेल्प करता है। जब दूसरी साइड को पता चल जाता है कि भैया नहीं कुछ हेट पाएंगे, तो वो लोग भी ऑलरेडी, मतलब वो लोग भी थोड़ा ये हो जाते हैं कि भाई चलो अब सेटलमेंट करते हैं किसी भी तरह से। एक सवाल उन यंग लड़कों के लिए है जो डेटिंग एप्स को यूज कर रहे हैं, हुकअप कल्चर इंडिया में बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, उनकी उम्र इतनी कम है, उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि इन डेटिंग एप्स का इस्तेमाल कितने बड़े लेवल पर अब फ्रॉड करने के लिए हो रहा है, लोगों ने इसे अपना एक बाकायदा बिजनेस बना लिया है। बिल्कुल विशाल, बहुत ज्यादा केसेस इस टाइम पे हो रहे हैं, ज्यादातर केसेस मैं कहूंगी मेरे ख्याल से 90% केसेस तो लाइट में आते ही नहीं है।